जय हिंद। मैं कमालुद्दीन अंसारी, आज मैं भाजपा के पाकिस्तानी गाथा सुनाना चाहता हूं, और उनका कितना प्रेम है पाकिस्तान पाकिस्तान जो रट लगाते हैं, फिर भी ये लोग मानते नहीं, उसके नाम पर ही वोट जैसे मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। जब भी चुनाव आएगा पाकिस्तान पाकिस्तान रट देते हैं। और देश के ऐसे प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी हुए हैं, जो उधमपुर और गुरुदासपुर में उग्रवादी हमला हुआ, फिर भी उसके बावजूद वो पाकिस्तान पहुंच गए, केक और बिरयानी खा लिए। और उसके बाद क्या होता है कि वायुसेना बेस में पठानकोट में हमला हुआ, और फिर भी पाकिस्तान के आईएसआईएस का ऑफिसर को लाकर जांच करा रहे हैं, वो जाके पाकिस्तान में यहाँ इल्जाम लगाता है भारत के ऊपर। और उसके बाद एक सबसे पुरानी अटल जी की सरकार जब थी, पुलवामा हमले का गुनाहगार वो कौन, मौलाना अजहर मसूद को यहाँ से ले जाके अफगानिस्तान पाकिस्तान छोड़कर आए थे। और मध्य प्रदेश में भाजपा का आईटी सेल वाला ध्रुव सक्सेना खुद सेना की जासूसी करते पकड़ा गया। सोचिए ये लोग पाकिस्तान के लिए क्या क्या करते हैं, और फिर भी ये दूसरे को इल्जाम लगाते रहते हैं। अरे छोड़िए चुनाव बिहार का, इन सब पर नहीं हो रहा है। बिहार का चुनाव नौकरी, शिक्षा, कमाई धमाई ये इस पर हो रही है। भोजन कैसे आएगा, काम कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, इन सब पर हो रहा है। इसलिए अब ये लोग दूसरी बात लाके घुमा रहे हैं, कोई ये बात वो बात। मोदी जी थोड़ा एक बार 15 लाख 20 लाख वाला जो जुमला वो छोड़ के एक बार रोजगार पर बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, नौकरी पे बात कीजिए, हॉस्पिटल पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, और कॉलेज पे बात कीजिए। जो बिहार के लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं वो बिहार में पढ़ेंगे कैसे, नौकरी करेंगे कैसे, इस पे बात कीजिए। धन्यवाद।